चंदौली के बैरा गांव के वनवासी बस्ती में खाना बनाते समय झोपड़ी में भीषण आग लगने से एक वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत। झोपड़ी में मौजूद चार बकरियों की भी जलने से मौत हो गई है। ग्रामीण और पुलिस बल की कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चकिया कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कोहरे में सतर्कता बरतने के लिए यातायात पुलिस को सड़कों पर साइनेज लगाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि स्कूलों के वाहन चालकों की स्किल ट्रेनिंग कराई जाए, ओवरलोडिंग और अवैध वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। डीएम ने दुर्घटनाओं की सूचना के लिए टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में सार्वजनिक जगहों से धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, लेकिन एचसी केंद्र और राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं नजर आया। अतिक्रमण करने वालों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात के अकबरपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। वाहन चालक घटना को अंजाम देकर मौके से रफूचक कर हो गए। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नई दिल्ली में दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद रामनगरी अयोध्या में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले लोगों को परिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। लखनऊ में आगामी G20 सम्मेलन को लेकर मंडलायुक्त डीएम और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने इमामबाड़े के संपूर्ण परिसर का जायजा लिया। इस दौरान मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सभी मेन मार्ग फुटपाथ सार्वजनिक स्थलों पर व्याप्त अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कराई है। जोन 2 में चारबाग मुस्लिम मुसाफिर खाना के आसपास वार्ड राजा बाजार में कन्वेंशन सेंटर और इमामबाड़ा के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। लखनऊ में बीकेटी के बलसिंहपुर में नशा मुक्त समाज आंदोलन ने कौशल अभियान के तहत नशा मुक्त चौपाल का आयोजन किया। आंदोलन से प्रभावित होकर कई लोगों ने गुटखा और शराब का सेवन न करने का प्रण भी लिया है। देहरादून जोशीमठ निर्माण को लेकर अहम बैठक शुरू हुई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में बैठक कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई अफसर भी इस दौरान मौजूद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने आह्वान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सांकेतिक मौन उपवास है। गांधी पार्क पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने वो मौन उपवास कर रहे हैं। लगातार हो रहे भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के विरोध में ये सांकेतिक मौन उपवास किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में बीती रात चोरों ने जिला सहकारी बैंक को निशाना बनाया। खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर पहुंचे चोर 30 लाख की चोरी को अंजाम देकर रफूचक्कर हुए। आज सुबह बैंक खुलने पर कर्मचारियों ने पुलिस को इत्तला करी। कन्नौज में भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री के खिलाफ हुए क्षत्रिय बबीता सिंह और पति मुशर्रफ अली पर कार्रवाई के लिए सीएम को भेजा ज्ञापन। लव जिहाद करते हुए क्षत्रियों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। एक हफ्ते के अंदर खनन माफिया हाजी इकबाल पर दूसरी बार कार्रवाई हुई। हाजी इकबाल की कोठी पर कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई। गैंग रेप के मामले में आरोपी है हाजी इकबाल। सहारनपुर में 20 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार। मिर्जापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग मुकदमों में वांछित चल रहे थे आरोपी। हरिद्वार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार। कई कार्यक्रमों का किया जायजा। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति इस दौरान जागरूक भी किया गया। अलीगढ़ में चिकन की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। दो समुदायों के बीच में विवाद देखने को मिला। दोनों समुदायों में जमकर पथराव हुआ। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था। मथुरा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के दौरान अपराधी को गोली लगी है। कब्जे से लूट का भी माल बरामद हुआ।
पटवारी पेपर लीक मामले पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बताए मामले से जुड़े 31 लोगों के नाम। इसके पहले पकड़े गए 7 आरोपियों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जोशीमठ में दरारों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। 849 भवनों में अब तक दरार आ चुकी हैं। 165 भवन रहने के लिए पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। अब तक 237 परिवारों के 800 लोग विस्थापित किए जा चुके हैं। दरारों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बस्ती में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अलग अलग ब्लॉकों के प्रधान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर वादा से मुकरने का आरोप लगाया है। खंड विकास अधिकारी को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। आगरे में पैसे देने से कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में बस में भीषण आग लग गई। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस। बस में सवार थे 21 सवारी। चालक परिचालक की सूझबूझ से सभी सवारियां सुरक्षित हैं। इंजन से धुआं निकलते वक्त ही उतार दिए गए थे सभी यात्री। आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी सलीम घायल। थाने का वांटेड रह चुका है अभियुक्त। अभियुक्त सलीम के ऊपर पहले भी 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फरुखाबाद में एसपी अशोक कुमार मीणा की स्वच्छ छवि पर बट्टा लगा रहे हैं थाना अध्यक्ष अमृतपुर। बीते दिन अमृतपुर तहसील परिसर में किसानों ने सैकड़ों गौवंशों को किया था बंद, तो वहीं आज थाना अध्यक्ष अमृतपुर संत प्रकाश पटेल का एक किसान को मारते हुए कई वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन स्वराज की किसान महापंचायत हुई। एमएसपी को लेकर गंगीरी से कल्याणपुर बिनौला में हो रही महापंचायत। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे। फरुखाबाद में किसानों ने सैकड़ों गौवंशों को तहसील परिसर में ही बंद कर दिया। जानवरों से फसलों का नुकसान हो रहा था। तहसील में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी परेशान हो गए। इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में आज से शुरू हो रहा है बैलून फेस्टिवल। बैलून फेस्टिवल का समापन 20 जनवरी को हो जाएगा। बैलून फेस्टिवल में शंघाई सहयोग संगठन शामिल होने वाला है। शंघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। इसको लेकर के पर्यटन विभाग की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और यात्रा करके मजा आ गया। और शायद हम यहाँ पर और इस तरह की यात्रा न करते तो इस तरह के अनुभव को हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत ही आनंददायी पल है। मजा आ गया। और यात्रा करके मजा आ गया। और शायद हम यहाँ पर और इस तरह की यात्रा न करते तो इस तरह के अनुभव को हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत ही आनंददायी पल है। मजा आ गया। अगर कहा जाए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बलून फेस्टिवल को लेकर के वाराणसी वासियों में तो उत्साह है ही, साथ में पूर्वांचल के भी जितने लोग हैं और भी प्रदेश से जितने लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? देखिए पूजा जी, पहले तो बताना चाहूंगी कि वाराणसी में जिस तरीके का लगातार पर्यटन के लिहाज से लगातार ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला टेंट सिटी, दूसरा हॉट एयर बैलून शो, उसके साथ साथ गंगा विलास क्रूज और बोट महोत्सव, कई ऐसे महोत्सव जो चल रहे हैं काशी में। पर्यटन के लिहाज से, वाराणसी के लिहाज से काशी की संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है। काशी में जो महोत्सव का आगाज हुआ है, जिस तरीके से लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं वाराणसी ही नहीं, पूर्वांचल नहीं, देश विदेश से आए पर्यटक भी हॉट एयर बैलून का लुत्फ उठा रहे हैं, टेंट सिटी का लुत्फ उठा रहे हैं, बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, और जो विदेशी पर्यटक हैं वो क्रूज का लुत्फ उठा रहे हैं। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लगातार ग्राउंड लेवल पर कवायद करके कर रही है। और ये आगाज जो है लगभग 31 मई तक चलने वाला है। लगातार जितने भी टूरिज्म के लिहाज से शो चल रहे हैं यहाँ पे, जितने प्रोग्राम इवेंट हैं, तो कहीं ना कहीं वाराणसी में जो हॉट एयर बैलून की बात की जा रही है, इस शो से
वाराणसी नहीं, पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि देश विदेश से आए लोग भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं और काशी की जो झलक है वो जमीन से नहीं आसमान से देख रहे हैं, उसको निहार रहे हैं और काशी की अभिभूति अपने साथ दिलों में तस्वीर छिपा कर ले जा रहे हैं। पूजा, बिल्कुल धर्मेंद्र, क्या ग्राउंड जीरो की अगर हम बात कर लें तो पहले भी इस तरीके के हॉट एयर बलून शोज हुए हैं, पहले भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, क्या ये फर्स्ट टाइम हो रहा है? देखिए, ये विगत दूसरा साल है, पहले साल ट्रायल किया गया था तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से एक दो दिन चलने के बाद वो बंद हो गया था, लेकिन इस बार जो फेस्टिवल है वो 3 दिवसीय फेस्टिवल हॉट एयर बलून का चलेगा और वहीं टेंट सिटी का लगभग 31 मई तक फेस्टिवल चलना है, जिसके लिए पर्यटक भी बाहर से आ चुके हैं, टेंट सिटी में रह रहे हैं और वाराणसी गंगा के किनारे पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, घोड़े की सवारी बालू के रेत में कर रहे हैं। और हॉट एयर बैलून शो की अगर बात की जाए पर्टिकुलर, तो वो लगातार 3 दिवसीय शो चलेगा और इसमें पर्यटन विभाग लगातार कवायद भी कर रहा है, अगर जरूरत पड़े तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है ताकि ठंड के मौसम में लोग काशी का लुत्फ उठाने गंगा के किनारे आते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से काफी ये महत्व रखता है। और काशी की ठंड में छवि जो आसमान से देखने को मिल रही है, काशी की तस्वीर, गलियों का शहर और विश्वनाथ कॉरिडोर धाम गंगा की तस्वीर जो पर्यटन के लिहाज से काशी है वो अब देखने को मिल रही है। पहले लोग जमीन पे घूम के देखते थे, अब आसमान से उसकी तस्वीर को निहार रहे हैं। पूजा, बिल्कुल धर्मेंद्र, क्या इस हॉट एयर बलून शो के लिए किसी तरीके का कोई रूट मैप रेडी किया गया है और रूट मैप के दौरान क्या किसी तरह के कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पिछली बार ट्रायल तो जरूर हुआ था लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया, इस बार 3 दिवसीय ये पूरा शो रखा गया है, लोगों के लिए खोला गया है, तो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा को भी ध्यान में रखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन ने पूरी तरह से व्यवस्था की है और हॉट एयर बैलून के लिए पर्यटन विभाग ने एक तरह से प्लानिंग की है कि हॉट एयर बैलून गंगा के उस पार रेती से उड़ाए जाएंगे और पूरे काशी का भ्रमण करते हुए रामनगर किले की तरफ या तो उतारा जाएगा या तो सारनाथ की तरफ टूरिज्म प्लेस की तरफ उतारा जाएगा, 3-4 ऐसे प्लेसेस हैं। लेकिन समस्या, पूजा, एक आ रही है कि क्योंकि हवा के रुख के आधार पे हॉट एयर बैलून का जो मूवमेंट होता है वो होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं आ रही है। आज जैसे एक हॉट एयर बैलून वाराणसी से उड़ा है और रामनगर चंदौली की तरफ जाके पड़ाव की तरफ उतरा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उसकी फेस कर रही है, जिसको लेकर पर्यटन उस पर कार्य भी कर रहा है ताकि इस तरीके की समस्या ना आए, जो मूवमेंट हो, दिशा हो, वो ठीक तरीके से जो प्लेसेस दिए गए हैं वहीं उतारे जाएं, उसके साथ साथ गंगा के इस पार भी लाके उतारे जाएं ताकि पूरी काशी का भ्रमण जो होता है, पंचकोश है, उसकी भ्रमण करके हॉट एयर बैलून पूरी काशी का दर्शन कराते हुए फिर गंगा की रेती पे लाके उतारा जाए। बिल्कुल धर्मेंद्र, शंघाई सहयोग संगठन का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्या रोल है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? देखिए, शंघाई संगठन का रोल अगले साल से ही शंघाई संगठन ने इस पर कार्य किया था, लेकिन लगातार जिस तरीके से वाराणसी में पर्यटन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ावा दे रहे हैं, उसको लेकर शंघाई संगठन लगातार वाराणसी में टूरिज्म पे वर्क कर रहा है और टूरिज्म में लगातार बढ़ावा कर रहा है। उसी क्रम में हॉट एयर बैलून में भी उसकी पार्टिसिपेट और पूरी प्लानिंग की गई है, जिससे कि काशी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, जिससे कि अवलोकन कराया जा सके और शंघाई संगठन जो है वो पूरी तरह से वाराणसी में पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, पर्यटन के लिहाज से वो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच आपको बड़ी खबर है, हम जानकारी देहरादून से दे रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है जोशीमठ से जुड़ी हुई। जोशीमठ निर्माण को लेकर के अहम बैठक शुरू हो चुकी है, विधानसभा में ये बैठक हो रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अगर बात करें तो बैठक में मौजूद है, यहाँ पर मुख्य सचिव समेत कई अफसर भी इस बैठक में मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कांबोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, कल इस तरह की बात निकल करके सामने आई थी कि केदारनाथ के तर्ज पर ही जोशीमठ का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, पुनर्वास होने वाला है, ऐसे में आज क्या कुछ तथ्य अभी तक निकल करके सामने आ पाए हैं, अगर हमारे पास किसी तरह का इनपुट है तो? बिल्कुल, अगर केदारनाथ मास्टर प्लान की बात की जाए तो उसी की तरह जोशीमठ को भी डेवलप करने की बात हो रही है और आज की बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो आने वाले 1.5 साल के भीतर कुल 63 शहरों को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की बात की, जिसको लेकर चर्चा की गई है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि हम जोशीमठ को रीडेवलप करने की दिशा में काम करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जहां पर मौजूदा समय में पुनर्वास होना है, तमाम लोगों को शिफ्ट करना है, तो उन क्षेत्रों का चिन्हीकरण हो वो मास्टर प्लान के तहत ही हो और जोशीमठ में जो भी अगले निर्माण कार्य होंगे या जिस भी तरह की नीति बनती है,
सरकार क्या कुछ लेकर आती है तो मास्टर प्लान के तहत ही कार्य होंगे। और इसमें बड़ी खबर यह है कि जो डेडलाइन दी गई है जोशीमठ या जोशीमठ से पुनर्वास को लेकर, वो अगले 6 माह के लिए रखी गई है कि 6 माह के भीतर तमाम जो कार्यदायी संस्था है उसको रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करनी होगी कि जो 1.5 साल का समय था उसको घटाकर 6 माह किया गया है और 6 माह के भीतर ही आपको इसके तहत कार्य करने होंगे। बिल्कुल अजीत, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए मेरे माध्यम से तमाम वो लोग भी जो जोशीमठ से अभी अभी विस्थापित हुए हैं, अभी हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट की अगर हम बात कर लें, नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग वहां से विस्थापित किए जा रहे हैं या जिनके घर रहने लायक नहीं है उनको अनुदान दिया जाए और अनुदान से कोताही ना बरती जाए, गवर्नमेंट को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या इस बैठक के दौरान इन बातों को लेकर के, इन पहलुओं को लेकर के भी चर्चा होने वाली है? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार गंभीरता से जो सीमा पुनर्वास को लेकर कार्य कर रही है और अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को यहां पर सौंपा दिया गया है। अन्य कई फैसले पिछली कैबिनेट बैठक में हुए थे जिसके तहत मुआवजा राशि में इजाफा करने के अलावा जो किराया है, पुनर्वास भत्ता है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई थी। अब अगली कैबिनेट बैठक में कई चीजें ऐसी हैं जो सरकार दोबारा से लेकर आ रही है जिसमें मुआवजे भत्ते की बात होगी, तमाम आर्थिक मदद की बात होगी। इन तमाम विषयों पर आपदा से संबंधित यहाँ पर बैठक में चर्चा हुई है और उम्मीद है कि काफी कुछ बेहतर निकलकर सामने आएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बड़ी बैठक चल रही है विधानसभा में, प्रेमचंद अग्रवाल इस बैठक का हिस्सा है और साथ में उनके साथ में अपर मुख्य सचिव समेत तमाम कई अफसर भी मौजूद हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं, और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना दौरे पर जाने से पहले बड़ी बैठक हुई है, बड़े नेताओं के साथ में अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही बैठक का दौर जारी है, सपा कार्यालय पर कई बड़े नेता मौजूद हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर तौकीर किदवई ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव मैनपुरी जीतने के बाद लगातार जो है बहुत ही उनका जोश हाई नजर आ रहा है तौकीर, और उसकी छवि कल शिवपाल यादव के बंगले पर जब वो गए थे संगठन विस्तार की बात कर रहे थे, आज सुबह से ही तेलंगाना दौरे पर जाने से पहले बैठकों का दौर भी चल रहा है। जी बिल्कुल, आज से 10 बजे करीब अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उसके बाद लगातार कई बड़े नेता पूरे प्रदेश से आज पार्टी कार्यालय पर नजर आए। जाहिर तौर पर इसी बात की चर्चा हुई है कि किस तरह से 2024 की लोकसभा तैयारियों को देखते हुए कैसे मोर्चे का गठन करना है, किन दलों को साथ जाना है, राज्यों में किन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना है। तो फिलहाल कई तरह के समीकरण है जिस पर आज चर्चा वो कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि कल शिवपाल सिंह यादव के वो घर पर कहते हो करीब 45 मिनट से ज्यादा उन्होंने चर्चा की थी। इसके बाद से इस बात का भी क्या सहाया जाने लगा था कि वो आप जल्द ही शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी में कद बढ़ाया जाएगा और उन्हें पार्टी महासचिव की कमान दी जा सकती है। तो फिलहाल आज कई बड़े नेताओं के साथ इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई है। अखिलेश यादव फिलहाल अभी भी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और उसके अलावा शिवपाल सिंह यादव अपने पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, वहां पर वो भी कई नेताओं से मिल रहे हैं। खास बात ये जरूर देखने को मिली है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रगतिशील पार्टी के जो कई नेता थे वो नजर आए और इसी तरह से शिवपाल सिंह यादव के बंगले पर समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनको मुबारकबाद देने का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन देखना होगा कि जब तेलंगाना दौरे से लौटेंगे उसके बाद किस तरह का ऐलान किया जाता है और पार्टी में उनका क्या कद दिया जाता है, फिलहाल ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो फिर मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं, आपने प्रसपा का भी जिक्र किया है, अगर हम कुछ चेहरे तमाम दर्शकों को बता सकें तो। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी पर जो मूल नेता प्रतिपक्ष है राम गोविंद चौधरी, इसके अलावा जो कई ऐसे विधायक हैं सांसद हैं वो पहुंचे थे। राम गोविंद चौधरी के अलावा कई राज्यपाल कश्यप यहाँ पर मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हाल फिलहाल अभी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे वो भी आज पार्टी कार्यालय पर मौजूद थे। इसके अलावा प्रगतिशील में जो पार्टी महासचिव है प्रगतिशील के पुराने और जो प्रदेश अध्यक्ष वगैरह रहे हैं प्रगतिशील में वो सब आज पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो फिलहाल अभी भी कई ऐसे नेता है जो पार्टी कार्यालय में मौजूद है और अखिलेश यादव के साथ लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि शाम को 8 बजे उनको तेलंगाना के लिए रवाना होना है। क्या बातचीत होनी है और वहां पर किस तरह के समीकरणों को लेकर क्या बैठक बाजी होगी उसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। तो फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यालय से निकले हैं और राम गोविंद चौधरी के यहाँ से निकल चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव तेलंगाना दौरे से लौटेंगे तो वो रामपुर आजम खान से भी इस मसले पर चर्चा करने पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तेलंगाना के दौरे में मुलाकात होगी, क्या बात होगी इस पर सबकी नजर रहने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़े नेता जिनके नाम आपको बताए गए वो तमाम लोग
मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में और अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के दौरान संगठन विस्तार को लेकर के हो सकता है कि चर्चा हो रही हो, क्योंकि कल जब शिवपाल के घर पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, उस दौरान भी उन्होंने संगठन विस्तार की जो संकेत थे वो देने शुरू कर दिए थे। 45 मिनट की मुलाकात रही थी लगभग। बड़ी खबर है, जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, बड़ी खबर है ताज ट्रिपोजियम जोन में दुकानों को हटाने का मामला है। 400 दुकानों को फिलहाल अभी हटाया नहीं जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल ने यूपी सरकार से कहा है कि उनको पुनर्वासित नहीं कर सकते तो क्यों नहीं वहां रहने दिया जाए। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वही पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश ने के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा भी मौजूद रहे। सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हों या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, सभी में युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि केवल दिखावे के लिए ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कुछ दिन बाद आरोपी जमानत पर छूट रहे हैं, ये युवाओं के साथ सरासर धोखा है। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग के जिस अधिकारी की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया, उसी की ओर से उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा को भी तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने यह भी कहा है कि युवाओं की जवानी बर्बाद करने वाली सरकार को एक पल भी सत्ता में टिके रहने का कोई अधिकार नहीं। युवा मुख्यमंत्री कहने वाले पुष्कर सिंह धामी को सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।